जैसे कि हमने देखा कि बिंग गूगल की ही तर्ज पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वही कर रहा है जो गूगल uh, जिसको करता है या जिसको ट्रैक करता है इसी तरह से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जिस पे यानी कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो बिंग भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें ट्रैक करता है जो गूगल ट्रैक करता है इसमें अगेन uh, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है कि बिंग और गूगल ऑलमोस्ट सेम है दोनों का फोकस यूज़र्स हैं आप यूज़र्स को फॉलो करेंगे अल्टीमेटली बिंग भी आपको रिकार्ड करेगा और गूगल तो रिकॉर्ड करेगा ही तो ये दोनों की पॉलिसीज़ उसमें सेम है कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ जिस तरह से मेटाटैक्स हमने देखे गूगल में मेटाटैक्स uh, ही काफ़ी इंपॉर्टेंस है टाइटल डिस्क्रिप्शन या दूसरी चीज़ें बिंग uh, भी वही चीज़ें फॉलो uh, करता है उसमें हेडिंग्स बिंग में भी हेडिंग्स uh, चलती हैं जिस तरह गूगल में हडिंग्स चलती हैं फिर कॉन्टेंट जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिग भी कहता है कि आप अच्छा कॉन्टेंट लिखें और लोगों के लिए कॉन्टेंट लिखें कॉन्टेंट की क्वान्टी ज़्यादा हो क्वालिटी अच्छी हो ताकि वो उसको रेंक करे उसको प्रॉपरली uh, आपको राइट right ऑडियंस के सामने दिखाएं फिर लेआउट स्ट्रक्चर और यूजबिलिटी वगैरह भी वही चीज़ें ऑलमोस्ट अगर आप गूगल के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं तो यकीन आप एक दूसरी वेबसाइट बिंक के लिए तो नहीं बनाएंगे आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बिंग भी आपको क्रॉल करेगा और गूगल भी आपको क्रॉल करेगा तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो वो दोनों दोनों के लिए बेनिफिशियल है ले आउट में भी अगेन आपने किस तरह से अपना कॉन्टेंट लेआउट किया है वो फोकस करें यूजर के ऊपर कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर लेकर आएं एमेज यूज़ करें और उसके एक अच्छा अच्छे कलर और अच्छी जो है रिस्पॉन्सिवनेस के साथ अगर आप पूरी वेबसाइट बनाएंगे तो वो गूगल और बिंग दोनों में रैंक करेगी आलमोस्ट इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत यूनिक या बहुत डिफरेंट है जो कि मैं आपको बताऊँ कि भाई ये देखें ये तो गूगल में नहीं है और बिंग में है या बिंग में है और गूगल में नहीं है तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसीलिए लोग जब ऐसी करते हैं तो वो आलमोस्ट एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं वो चाहे बिंग को फॉलो करें चाहे गूगल को फॉलो करें अल्टीमेटली वेबसाइट्स के लिए वही रहती है क्योंकि सर्च इंजन एक ही तरह से बाकी चीज़ों को देख रहे हैं और आलमोस्ट उनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस के अलावा काफ़ी चीज़ें सेम हैं आल दो टेक्नोलॉजी बहुत डिफरेंट है गूगल का अपने प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ करता है फॉर एग्जाम्पल मैप्स जो हैं जो गूगल के मैप्स हैं वो बिंग के पास उस, उस तरह के मैप्स नहीं हैं और जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है बिंग के पास उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल के पास एडवांटेज है और बिंग के पास नहीं है तो इसलिए उसके एल्गोदम डिफरेंट है टेक्नोलॉजी डिफरेंट है वो रिला ज़्यादा चीज़ों पर फोकस करता है वो ज़्यादा तरह से आपको ट्रैक करता है बिंग उस तरह से आपको ट्रैक नहीं कर पाता बिंग एक सर्च इंजन बाकायदा सर्च इंजन नहीं था गूगल तो स्टार्ट ही सर्च इंजन से हुआ था बिंग की अप्रोच थी पहले वो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग बाद में बड़ी देर ला, बाद लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट का कोर बिज़नेस उसकी क्लाउड सर्विसेज या उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज़ के नाम से जाना जाता है उस पर फोकस करता है बिंग uh, उसकी एक साइड प्रोडक्ट है जबकि गूगल की जो प्रोडक्ट है सर्च वो बेसिकली मेन प्रोडक्ट है और वो गूगल बाकी चीज़ों में बाद में आया जिसमें अब माइक्रोसॉफ्ट पाएनिर था लेकिन वो गूगल भी उसको कैचअप कर रहा है सो so, ऑलमोस्ट ये दोनों कंपनियाँ हर तरह से हर चीज़ों में एंट्री ले रही हैं लेकिन सर्च इंजन की बात करें जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उसमें ऑलमोस्ट एक ही तरह से वो दोनों काम करते हैं